हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया। और डोंगल को कैसे चलाए, कैसे इंस्टॉल करें, तो मेरे पास है BI का डंगल, तो उसको लगा देता हूँ। उसके बाद आप लोगों को उसका सेटअप करके दिखाता हूँ। तो मैंने डंगल लगा दिया मेरे PC में। तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा इसको, रन ऑटो रन। ठीक है, तो उसको मैंने रन कर देता हूँ। मैंने रन कर दिया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा, यस कीजिए। उसके बाद लैंग्वेज इंग्लिश रहना चाहिए। ओके पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट। उसके बाद आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट। ये देखिए इंस्टॉल हो रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में। ये देखिए हो रहा है। तो मेरा डंगल इंस्टॉल हो चुका है। देखिए इसका लोगो आ गया है, कनेक्ट मैनेज। देखिए इसका ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है। उसका ड्राइवर इसमें रहता है, डंगल में रहता है। अगर आप लोग नया डंगल खरीद के ले गया या उसका सेटअप नहीं मिल रहा है तो उसमें मिल जाएगा। तो उसको आप अनटिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, फिनिश कर दीजिए। ये देखिए मेरा सेटअप हो गया, ऑटोमेटिकली आपके पास उसका होम पेज आ जाएगा। अगर नहीं आया तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आना पड़ेगा। उसको मैं काट देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है लोगो। उस लोगो पे क्लिक करना पड़ेगा, डबल क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये देखिए आ चुका है। ये देखिए आ चुका है, MTS कनेक्ट इज नॉट कनेक्टेड टू नेटवर्क। ठीक है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको थोड़ा लोड लग रहा है, एक मिनट रुकिए। उसका कनेक्शन अभी नहीं आया, आ जाएगा थोड़ी देर में। ये देखिए आ चुका है 3G। MTS कनेक्ट इज नॉट कनेक्टेड टू नेटवर्क 3G। यहाँ पे देखिए 3G दिखा रहा है, मेरा 3G नेटवर्क आ चुका है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये 3G डोंगल है। अगर आपके पास 3G 4G जो कोई भी डोंगल है वो ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कनेक्ट में क्लिक कर लेता हूँ। ये देखिए कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे भी आ चुका है, हमारा इंटरनेट चालू होना स्टार्ट हो गया है। तो उसको कैंसिल कर दीजिए, बस हो गया। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हो आप लोगों को पूरी समझ में आ चुका है। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों को हेल्प करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।